जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी 18वीं तरमीम के हवाले से, पार्टीज में इलेक्शन और मौरूसी सियासत जो चलती आ रही है, और हमारे जो दो मेहमान हैं उनका कहना है ये ऐसी ही चलती रहेगी। अभी हम अनाउंस करते चलें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक समरी मूव की है, उस पर अभी दस्तखत किए हैं 18वीं तरमीम की मंजूरी की खुशी में कौमी असेंबली से, और उसमें उन्होंने कैदियों की एक चौथाई सजा को जो है माफ कर दिया है। इसी पर हम जाने की कोशिश करेंगे। और पहला जो कैदी रिहा हो रहा है उसमें अहमद रियाज शेख, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर हथकड़ियां लगाई गई और उनको आज इस खुशी में रिहा कर दिया गया। फैसल रज़ाबदी साहब, अहमद रियाज शेख साहब को 5 साल की बाद में जब उन्होंने अपील की तो सजा हुई थी और वो अपना पीरियड काट चुके हैं। लेकिन आपकी बात बड़ी हकीकत है, क्योंकि जो ईद पर 3 माह की माफी मिलती है ना, उसमें जहांगीर बदर रिहा हुए थे। जो 23 मार्च को 3 माह की माफी मिलती है उसमें एतजाज अहसन रिहा हुए थे। जो बकरीद पर 3 माह की माफी मिलती है उसमें खुद जरदारी साहब रिहा हुए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। अहमद रियाज शेख साहब एक बड़े कंट्रोवर्शियल किरदार थे, करप्शन के इल्जाम थे, तो आप अच्छा नहीं लगते नजरियाती पार्टी हो कि आप उनको डिफेंड करें? नहीं, मैं बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी हुई। मैं आपको वादे कर देता हूं कि उनकी जो सजा थी वो 5 साल की हो गई थी और वो 5 साल में 1 महीना कम पे फिर बाहर आ गए थे। आईजी साहब बड़े मखमसे में इस वक्त, वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन वो कह रहे हैं जारी करें ना करें, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने हथकड़ियां लगवाई, दूसरी वजह है ये इख्तियार सदर साहब का होता है कि वो आपको की सजा में तकलीफ करता है। लेकिन इस वक्त जो है वो 1 लाख से ऊपर कैदी मौजूद है आपके पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ इसमें 30 से 40 हज़ार कैदियों को फायदा पहुंचेगा और वो सब रिहाओं के घरों को आएंगे। इसलाह का मौका दिया है, वो इसलाह करें अपनी और एक माशरे के अंदर एक अच्छे किरदार के साथ दोबारा जिंदगी का आगाज करें, क्योंकि जेल्स के अंदर जो है आपके इसलाह कम होती है, कैदी ज्यादा बनाते हैं। नहीं, अब आगे ना वो एक करप्शन के इल्जाम थे उन पर बहुत ज्यादा, तो उस पर मैं कह रही हूँ इसमें सबसे अहम चीज बड़ा बड़ा कारनामा था उसके नतीजे में। जो शेख साहब की रिहाई पे मैं एक बात कह रहा हूं, आपको शेर पढ़ने सर, आप चले, ये इन्होंने कहा ना इख्तियार है, उनका इख्तियार तो है, लेकिन जरदारी साहब को अगर ये पता लग जाए ना कि किस इख्तियार को इस्तेमाल करना है किसको नहीं करना, तो बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। वो एक शेर है कि शहर अगर तलब करे तुमसे इलाजे तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो, तो ये चौधरी निसार साहब ने पहले कहा था ना कि जरदारी साहब सारा साल आग लगाते हैं और इंसान यहाँ के मट्टी के जरूफ कारनामों को हमेशा जिंदा रखते हैं हुरूफ। दोबारा पढ़ेंगे, बुलबुले पानी के इंसा या के मट्टी के जरूफ कारनामों को हमेशा जिंदा रखते हैं हुरूफ। जरदारी साहब 2 साल पहले से कह रहे थे निजाम बदल के इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लाएंगे। ये जो आज ये काम हुआ है ना 18वीं तरमीम, आप इसको निजाम को बदलने की जानिब गामजन समझें। मैं आपसे बता रहा हूं कि ये एक चीज ना देखें आप, इदारों को अब मजबूत होने दें, इदारों की मजबूती आवाम के मसाइल का हल है। इदारे मजबूत होंगे लेकिन हमें यहाँ तो लगता है कुछ टकराव अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट और अदलिया गई है जी। वो इदारे कैसे, सूबे कैसे मजबूत होंगे, ये गलत उसको तशरीह दी जा रही है कि आप क्या 4 नए ममालिक बनाने जा रहे हैं और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, तो फिर आप और सूबे भी बनाइए क्योंकि उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। आपने क्यों नहीं उसका प्रोसीजर सिंपल किया कि सिंपल मेजोरिटी से एक नया सूबा बन सकता है? क्यों आप बलोचिस्तान को पकड़ के बैठे हुए एक सूबे में? क्यों आप एनडब्ल्यूएफपी को एक सूबे में पकड़ के बैठे हुए? क्यों आप पंजाब को एक सूबे में पकड़ के बैठे हुए, जबकि लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि वो एक जगह से उठे और लाहौर तक पहुंचे, या बलोचिस्तान में पश्तून कितने हैं और बलोच कितने हैं, आप उनको उनकी पहचान दीजिए। वो कोई पाकिस्तान बाहर बनाने से मसाइल हल हो जाएंगे, सामने आएगी, आवाम खुश हो जाएंगे, लोड शेडिंग खत्म होगी, महंगाई पॉपुलेशन के ऊपर एक आईजी काम कर रहा है, 60% ऑफ पॉपुलेशन पंजाब के अंदर एक आईजी काम कर रहा है, तो रिजल्ट तो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस का आपके सामने होगा ना। क्या फर्क पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से आप सूबे बना दें, पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं सूबे, आप ये देखें कि इंडिया में कितने सूबे बने हैं, तो आप कंकरेंट लिस्ट वही की वही कायम है, तो ये कंकरेंट लिस्ट हटा देने से क्या हम सूबों को खुद मुख्तारी दे देंगे? लेकिन अभी तो आगे 50% सूबों को मिलेगा जो उनके वसाइल है। मेरी गुजारिश, आप उनको उनकी पोर्ट्स दें, उनको उनके मिनरल्स दें, आप उनको रेवेन्यू दें, लेकिन आप कंकरेंट लिस्ट तो ना हटाएं जिसमें आप तमाम यूनिफॉर्म लॉज है। आप वो भी 5 सूबों के, 5वां कैपिटल 4 सूबे, उसमें हर जगह नया लॉ लेकर आएंगे कि पंजाब का अपना लॉ है, सिंध का अपना लॉ है, कंकरेंट लिस्ट पे भी वो एतराज कर रही हैं, कृष्णमाला कह रही हैं कि उसको उस पर भी अमेंडमेंट आपने डाली है, और वो कह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा सूबे होने चाहिए। या मैं एक पॉइंट उठाऊंगी, कल जब जियाउल हक का नाम आइन से निकाला गया तो उस पर बड़ी डेस्क थम्पिंग हुई, सबने बड़ा शोर मचाया, कहा गया कि मुशर्रफ को भी फांसी दी जाए। 270A को आप तो आइन से अगर निकाल दिया, जियाउल का नाम निकाला, नाम हटाने पर जिन्होंने थम्पिंग की
वो सारे लोग या उनके वालदैन जब 85 की असेंबली थी तो उन्होंने ज़िया का नाम दिलवाया था, बशमूल गिलानी साहब, सब लोग मजलिस जिन्होंने कल मौजूद थे, थम्पे की। और दूसरी चीज जो जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं या जो हम बादशाहत की बात कर रहे हैं, वो लीडरान भी तो डिक्टेटर्स की पैदावार है। आप मुझे ये बताएं कि भुट्टो साहब जब पहली दफा आए 20 लोगों की असेंबली थी, कैबिनेट थी, जिसमें 19 जनरल थे और 20वें भुट्टो साहब एक सिविलियन थे जब वो पहली दफा आए। ज़ियास जब नवाज शरीफ साहब पहली दफा आए फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे और मार्शल लॉ का दौर था। तो ये कहां से लीडर, कौन सी सड़कों से चलकर आए थे? जमहूरी पार्टी से उनकी जो लीडरशिप है वो भी ये कह रही है कि वो भी मार्शल लॉ के दौर में आए। क्या बात है, मेरी मेरी बारी है ना, हमारे सवाल किया जवाब वो दे। पहले भी मैंने कहा कि कशवाला आप उनका टाइम देखे ले लेते, शायद आप गिन लीजिए।